हमें बहसियत मुसलमान या यूँ समझ लें कि मज़हबी घराने में जो लोग परवरिश पाते हैं या इल्म दीन सीख लेते हैं या उनका बैकग्राउंड इल्मी होता है, उन्हें ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि हमें माजी में होने वाले वाक़यात और हादसात से बहुत कुछ सीखना चाहिए और अपनी नज़र को, अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को वसअत देने की ज़रूरत है। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने मैं अर्ज़ करता हूँ। माजी में तस्वीर और वीडियो जो थी, इस पर बहुत सी आरा थी, उलमा में काफ़ी इख्तलाफात थे, यहाँ तक के लोगों के कैमरे, टीवी और ये चीज़ें भी बाकायदा तुड़वा दी गई कि ये सब हराम है और गुनाह है। अब इतना क्रेज़ हुआ कि अब उसको उठाकर हर चीज़ में शामिल कर दिया। एतदाल अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ को मुनासिब नहीं समझते तो आप उसे तर्क कर दें, लेकिन उस पर बग़ैर किसी दलील शरई के उसे हराम कहें, फिर उसे फ़र्ज़ या वाजिब का दर्जा दे दें, तो ये बईद अज़ हिकमत उन कामों में से है कि जिनके नताएज अच्छे नहीं बरामद होते। इसी तरह 80 और 90 की दहाई में हमारे मुल्क पाकिस्तान के मुतशद्दिद और मुतासिब जो खुताबात है बाज़, वो ये तकरीरें करते थे कि जी फलां मुल्क की नेशनलिटी में क्या है, फलां तो फलां का कासलेस है, ये है वो है। और 2000 के बाद जैसे ही 9/11 का वो वाकया हुआ, उसके बाद हालात बदले और कुछ वैसे भी लोगों में आईटी के हवाले से शऊर आया, तो हमारे मज़हबी तबक़ात में से ही कुछ लोगों ने बरतानिया का, यूरोप का और अमेरिका और कनाडा का रुख किया, तो वो लोग जो 20 साल पहले दूसरे उलमा को या मशायख को या अपने हम ख्याल हम मसलक लोगों को तनकीद का निशाना बनाते थे कि जी वहाँ की नेशनलिटी क्यों लेते हैं, आज वो भी उसी मुल्क की नेशनलिटी लेकर फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि हमें इतना क़दामत पसंद और इतना मुतशद्दिद और इतना मुतासिब नहीं हो जाना चाहिए और तासुब में अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि ये हमारे गले की हड्डी बन जाए, कि इसमें हम ना इसको निगल सकें ना इसे उगल सकें कि ब्रिटिश नेशनैलिटी या यूरोपियन नेशनैलिटी हासिल करना ना तो गुनाह है ना ही सवाब है। ये ज़रूरत है किसी, हाँ इसके लिए नाजायज़ ज़राए जो हैं वो बरुए कार ना लाएँ। तो इसी तरह किसी भी मुल्क में रिहाइश पज़ीर होना ना ही गुनाह है ना सवाब है, सिवाय हरमैन तैयबैन के, कि वहाँ ये सआदतमंदी है।